नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटनाचक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 के सार संग्रह MCQs और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए घटनाचक्र के मार्च 2021 के संस्करण में से टॉप इम्पोर्टेंट 70 MCQs का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा कोई अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती से ये कामना रहेगी कि आपका जो आने वाला साल है उसमें आप सभी का आपका लक्ष्य पूरा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, RS शर्मा। यहाँ पे स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं, RS शर्मा, जो कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के CEO बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने RS शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनको नियुक्त किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। वह इंदु भूषण, जो कि 2018 में शुरू होने के बाद से आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट प्रकाशित हुई है, इसके लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दलाई लामा। स्क्रीन पर फोटो देखते हैं, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट जो कि दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक अपनी नई पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द साझा किए हैं। पुस्तक को रेणुका सिंह के द्वारा संपादित किया गया है और पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक का सार क्या है, इस पुस्तक में क्या लिखा है उन्होंने ऐसा, तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट में 130 उद्धरण शामिल हैं जो आतंक से त्रस्त दुनिया की नई वास्तविकताओं से निपटने के लिए तिब्बत पर दलाई लामा के विचारों के अलावा बढ़ते अतिवाद, ध्रुवीयता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर रहे हैं। इन सब के बारे में इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, M वेंकैया नायडू। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं उद्घाटन का, M वेंकैया नायडू। इंपॉर्टेंट फैक्ट, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के INA के दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव यानी कि आदि महोत्सव का उद्घाटन किया 2021 के लिए। इसका आयोजन 1 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य देश भर के आदिवासी समुदायों की समृद्ध और विविध शिल्प संस्कृति का एक मंच पर प्रदर्शन करना है। आदि महोत्सव आदिवासी संस्कृति की भावना, शिल्प, भोजन और व्यापार का उत्सव, जिसे ट्राइफेड जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा 2017 से आयोजित की जा रही एक वार्षिक पहल है आदि महोत्सव, जो कि 2017 से इसका आयोजन शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ था? 1 फरवरी 2021 को, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है आंग सान सू की, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, म्यांमार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, म्यांमार में देश की सेना ने राज्य काउंसलर आंग सान सू की को राष्ट्रपति विन मियंट और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ हिरासत में लेकर 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट कर दिया म्यांमार में। म्यांमार की सेना को, जिसे तात माडव के नाम से भी जाना जाता है, नया कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने नवंबर 2020 के म्यांमार के जो आम चुनाव हुए थे उनको परिणामों को फर्जी घोषित किया वहां पर, जिसमें आंग सान सू की ने संसदीय चुनाव 2020 में अपनी अगली सरकार बनाने के लिए शानदार जीत हासिल की थी। इस चुनाव में सेना के सैन्य प्रमुख है मिन आंग हलिंग, इनका नाम है मिंग आंग हलिंग, को सत्ता सौंप दी गई है और 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 3 से लेकर 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? एरो इंडिया 2021, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, बेंगलुरु।
एरो इंडिया 3 से लेकर 5 फरवरी 2021 को, जो कि बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। एरो इंडिया 2021 कार्यक्रम देश के प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येल हंका में शुरू हुआ। दुनिया के पहले हाइब्रिड एरो और डिफेंस शो के रूप में प्रसारित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के 13वें संस्करण में भारतीय वायुसेना, सेना, नौसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कई विमान और कोस्ट गार्ड इसमें देखे गए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2021 कब मनाया गया है, वर्ल्ड कैंसर डे? आंसर ऑप्शन ए, 4 फरवरी 2021 को हाल ही में विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया था। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहां पर, विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी यूआईसीसी के द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित करने तथा इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस इस वर्ष की थीम रखी गई है आई एम एंड आई विल, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर हिंदी वर्ड को, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए इसको चुना गया है, आत्मनिर्भर। दुनिया के प्रमुख डिक्शनरी पब्लिशर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर उस शब्द या अभिव्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ रिलायंस का अर्थ जिससे आत्मनिर्भर है। इस शब्द को इसलिए चुना गया क्योंकि यह उन असंख्य भारतीयों की दिन प्रतिदिन की उपलब्धियों को दर्शाता है जो इस महामारी के जोखिमों से निपटते हुए और बचते रहे इस पूरे वर्ष 2020 में। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020? राइट आंसर ऑप्शन ए, नॉर्वे देश पहले स्थान पर है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग 167 देशों में से भारत को 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। वहीं पहले स्थान की बात करते हैं तो नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है और आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कनाडा इस सूची में शीर्ष 5 देश हैं। नॉर्वे के बाद आइसलैंड है, 3 नंबर पर स्वीडन, 4 नंबर पर न्यूजीलैंड और 5 नंबर पर कनाडा। भारत की बात करते हैं तो भारत इसमें 53वें स्थान पर है जो कि 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया है, 2021 को? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है 2021, प्रकाश जावड़ेकर ने इस वर्ष को लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पली ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष यानी कि इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरमेंट को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। तो 2021 को लॉन्च किया गया है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020? आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, 86वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी CPI 2020 में 180 देशों में से भारत को जहां पर 86वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। 2019 की तुलना में भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया है, जो कि पहले 80वां स्थान था, अब भारत का इसमें 86वां स्थान है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया गया है। पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड और डेनमार्क और भारत का स्थान है 86वां। सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे नीचे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 2021 में नामित किया है, उन देशों का क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को ही प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 20 जनवरी 2021 को लॉन्च भारत द्वारा पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने वाली पहल का क्या नाम है,
पड़ोसी देशों को जो वैक्सीन पहुंचाई जा रही है कोरोना की, उस पहल का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्सीन मैत्री पहल। वैक्सीन मैत्री, आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, वैक्सीन मैत्री पहल भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड 19 टीके प्रदान करने की एक पहल है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका और बहरीन को पहल के तहत कोविड 19 के टीके इनको दिए गए हैं। भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड 19 टीके प्रदान करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी को शुरू की गई थी। भारत में कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को दो स्वीकृत टीकों जिसमें आपातकालीन उपयोग के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला था गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की झांकी जो कि राम मंदिर पर आधारित थी। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत था। प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को झांकी में दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में एसेंचर और आईबीएम के बाद विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कौन सा बना है? मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को एसेंचर और आईबीएम के बाद विश्व स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल आईटी सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। एसेंचर जो कि 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे मजबूत आईटी सर्विस ब्रांड का टाइटल बरकरार रखा है, जबकि नंबर दो पर आईबीएम है जो कि 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ब्रांड मूल्य में दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 अवार्ड, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जो कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए उनको नामित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भंडारी कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी के रूप में और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को और संस्थागत यानी सोसाइटी के लिए दिया गया है सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कौन सा राज्य दो एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाने वाला पहला राज्य बना है? दो एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टियां बनाने वाला, आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य दो एक्सप्रेसवे के ऊपर हवाई पट्टी बनाने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरीभर के पास नई 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर दो हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एक पट्टी हवाई पट्टी बनी हुई है। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है? पंख अभियान, आंसर ऑप्शन यहां पर राइट होगा बी, मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है पंख अभियान। लड़कियों के लिए एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंख योजना शुरू की है जिसमें कि पी फॉर यहां पर प्रोटेक्शन हो जाएगा, ए फॉर अवेयरनेस, एन फॉर न्यूट्रिशन, के फॉर नॉलेज और एच फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में तोड़ा है? 143 उपग्रह एक साथ लॉन्च करके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, SpaceX जो कि अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी है। एलोन मस्क जो कि इसके चीफ है इस SpaceX के,
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्पेसएक्स ने 143 छोटे उपग्रहों की ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टर वन नामक अपने महत्वाकांक्षी राइट शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस लॉन्च के साथ ही स्पेसएक्स ने फरवरी 2017 में इसरो जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है के 104 उपग्रहों का एक ही मिशन में पीएसएलवी बोर्ड जो करने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है 143 उपग्रह लॉन्च करके। स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क। स्पेसएक्स का मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोजाम्बिक। जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है, जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन से 10 सबसे प्रभावित देशों में रखा गया है। 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया है। सूचकांक जलवायु संबंधी भयानक जो जलवायु घटनाएं होती है जिसमें कि तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभाव से किस हद तक देशों और क्षेत्रों को प्रभावित करता है इसका विश्लेषण यह रैंक करता है। सबसे प्रभावित देश में मोजाम्बिक है और भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सबसे प्रभावित देश इसमें है मोजाम्बिक, वहीं भारत को स्थान मिला है इसमें 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में पहले स्थान पर कौन सा देश है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में पहले स्थान पर रहा है चीन। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते थे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आकर्षित $134 बिलियन की तुलना में 2020 में $163 बिलियन की आमद यहाँ पर चीन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस देश की सेना ने के तीनों अंगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त अभ्यास एमफैक्स 2021 का आयोजन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर भारतीय सेना के सभी अंगों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एमफैक्स 2021 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी थी। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है? शिंजो आबे को पद्म विभूषण किस देश के हैं? आंसर ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा जापान के। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? सृष्टि गोस्वामी स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं सृष्टि गोस्वामी का। आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी। वह BSc एग्रीकल्चर की छात्रा है, हरिद्वार के रुड़की में दौलतपुर गांव में रहती है। इस कदम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंजूरी दी गई थी। एक दिवसीय मुख्यमंत्री ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से प्रशासित किया था और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसकी लंबाई कितनी है? उस भारतीय रेलवे की मालगाड़ी का नाम वासुकी है जिसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है वासुकी जो कि 3.5 किलोमीटर है।
छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी इकाई के रूप में मालगाड़ी के 5 रैक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन करके अपने पिछला रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वासुकी नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने भी हाल ही में 2 मालगाड़ियों का संचालन किया है। इन मालगाड़ियों ने अपनी लंबाई के कारण ध्यान आकर्षित किया था। ये मालगाड़ियां शेषनाग थी पहले और सुपर एनाकोंडा, लेकिन सबसे लंबी जो मालगाड़ी बनी है वह वासुकी 3.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसने राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? ऑपरेशन सर्द हवा, आंसर ऑप्शन ए BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाना होता है। भारतीय गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सप्ताह भर चलने वाले अभियान जो कि 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2021 तक के लिए शुरू किया गया था। BSF के महानिदेशक हैं वर्तमान में राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आंसर ऑप्शन ए 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाता है। 2021 का विषय रखा गया था, थीम रखी गई है मेकिंग ओवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इनफॉर्म्ड, अर्थात मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जानकार बनाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में है सुनील अरोड़ा जो कि भारत के 23वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सॉरी 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है भारत के लिए वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है जो कि पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो कि हाल ही में 23 जनवरी 2021 को मनाई गई थी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे के साथ उन्होंने देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक किया था। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना के नामक एक सेना का निर्माण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त सेन अभ्यास आयोजित किया था? भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में उस संयुक्त सेन अभ्यास का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवच। कवच नामक एक संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित किया गया था। भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सेना अभ्यास कवच का आयोजन किया था। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में हुआ था। संयुक्त सेना अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल इसमें हुए थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना बीच में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सेन अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 किन किन देशों के मध्य में आयोजित किया गया है? डेजर्ट नाइट 2021,
आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में हाल ही में ब्यास डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं राफेल लड़ाकू विमान इसमें उपयोग लिया गया था। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया। इस अभ्यास को वायुसेनाओं के बीच अनुबंध की श्रृंखला में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर ऑप्शन बी हो जाएगा नेताजी एक्सप्रेस। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इस ट्रेन का नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? जो बाइडेन आंसर यहां पर ऑप्शन बी 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के जो बाइडेन। साथ में है कमला हैरिस जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की भारतीय मूल की। जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं, वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है। जो बाइडेन अमेरिका इतिहास के 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में नीति आयोग ने दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है, इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है, दूसरा संस्करण जारी किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जिन्होंने हाल ही में इसको जारी किया था। कर्नाटक मेजर स्टेट श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर है। ठीक है, बड़े राज्यों में कर्नाटक, छोटे राज्यों पहाड़ी राज्यों में हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए भावना कांत। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और Sukhoi-30 लड़ाकू विमान के मॉकअप का प्रदर्शन किया उन्होंने। वर्तमान में भावना राजस्थान में तैनात है और MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को उड़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर आंसर ऑप्शन सी बाल ठाकरे। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं बाल ठाकरे का। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। प्राणी उद्यान लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? कलरव आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी बिहार। बिहार राज्य के द्वारा अपना पहला पक्षी महोत्सव जो है कलरव नाम उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव राज्य के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पक्षियों विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया है। ठीक है, जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में आयोजित थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑप्शन ए कैरोलिना मरीन। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं कैरोलिना मरीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना था? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, आंसर ऑप्शन है पर सी हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का हमको अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारत के पहले COVID-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? COVID-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं भारत के पहले? आंसर यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनीष कुमार। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं मनीष कुमार जो कि भारत के पहले COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करता है। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद दिल्ली के स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार को भारत में COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने थे। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया था जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान को शुरू किया है? सक्षम अभियान, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के हाल ही में सक्षम अभियान को लॉन्च किया था, संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। सक्षम का अर्थ हुआ संरक्षण क्षमता महोत्सव। प्रदेश में चलाए जाने वाले इस अभियान में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के कई फायदों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां इसमें आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 का मुख्य अतिथि कौन बना था? गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि, राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। पहले इसमें बोरिस जॉनसन जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाया गया था लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2021 का मुख्य अतिथि कोई भी नहीं था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन से चरण की शुरुआत की गई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कौन से चरण की, आंसर ऑप्शन सी, तीसरे चरण की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के, PMKY, आप यहां स्क्रीन देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को शुरुआत की है। इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया है और इसे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के तहत सभी राज्यों जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर 600 जिलों में यह योजना शुरू की गई है मार्च 2021 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में केंद्र ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा निर्धारित इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। केरल अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु और तेलंगाना के 7 राज्यों के बाद 8वां राज्य बन गया है जिसने सुधार को लागू किया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 बार महाभियोग को झेलने वाले लगने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? 2 बार महाभियोग लगने वाले, आंसर है इसका पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45वें राष्ट्रपति थे, 46 पे हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोन नंबर 46, हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ है? भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन, ऑप्शन सी हो जाएगा, भुवनेश्वर। इंडिया फर्स्ट फायर पार्क ओपन इन ओडिशा भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 को पहली बार पेपरलेस बजट के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? केंद्रीय बजट 2021 को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। इसके अंदर आप देख सकते हैं इस बार पेपरलेस बजट जो कि टैब के रूप में प्रस्तुत किया गया था
संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पूरी तरह से कागज रहित होने जा रहा है। आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बजट की प्रति कॉपी नहीं छपेगी। वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वित्त कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली रूप से कहां पर हुआ था? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, आंसर यहां पर ऑप्शन ए है मणिपुर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्चुअली चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन से देश का पासपोर्ट को रखा गया है? उस देश का क्या नाम है? आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान देश के पासपोर्ट को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहला स्थान दिया गया है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें कि जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय पासपोर्ट को स्थान प्राप्त हुआ है 85वां, यानी कि भारतीय पहले स्थान पर जापान है और भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान मिला है। जापान लगातार तीसरे वर्ष पहली बार स्थान पर पहुंचा है और भारत को 110 देशों में से 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? खादी प्राकृतिक पेंट को, ऑप्शन ए हो जाएगा नितिन गडकरी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खादी प्राकृतिक पेंट जो कि हाल ही में मास्टर स्टॉक्स फॉर बूस्ट फार्मर्स इकोनॉमी, उनको इकोनॉमी किसानों की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सी विजिल 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है, यह क्या है सी विजिल 2021? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, तटीय रक्षा अभ्यास है सी विजिल 2021, इसका आयोजन हाल ही में हुआ था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सी विजिल 2021। समुद्र तट पर देश की समुद्र सैन्य तत्परता का परीक्षण करने के लिए प्रमुख अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है सी विजिल 2021। यह दूसरा संस्करण है जिसका आयोजन 12 से लेकर 13 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास होगा जो कि ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ अन्य समुद्री हितधारक भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 53, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा महीना 2021 कब मनाया गया है? सड़क सुरक्षा महीना, आंसर ऑप्शन ए 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक के लिए पहली बार सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया जा रहा है, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जनवरी के दूसरे सप्ताह में नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह अब राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया, जो कि 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 के मध्य में आयोजित किया गया था। थीम रखी गई इस वर्ष की सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021, आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहां पर ए 12 जनवरी को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इससे पहली बार 1985 में मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय रखा गया है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है हाल ही में 10 जनवरी को। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना, जैसे बता सकते हैं कि 10 जनवरी 2021 को हिंदी दिवस मनाया गया था भारत में।
हिंदी भाषा के विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ भी है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। पहला विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी देवनागरी लिपि को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस नॉन रेजिडेंट इंडियन डे जिसे कहते हैं इंग्लिश में, द्विवार्षिक रूप से 9 जनवरी को भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस अथवा एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। 2021 का विषय रखा गया है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी यानी कि 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला अंपायर कौन बनी है? पुरुषों के टेस्ट मैच में महिला अंपायर, ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लेयर पोलास्क इनका नाम है। ऑस्ट्रेलिया के क्लेयर पोलास्क हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, क्लेयर पोलास्क ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना व किस देश की वायुसेना के बीच जोधपुर में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के मध्य में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ है? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आंसर ऑप्शन राइट है ए, कारगिल में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कारगिल में आयोजन किया गया था खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का। लद्दाख के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी का आयोजन आरंभ हुआ। यह पहला मौका है जब चिकटन की महिला टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया गेम्स में भाग उसने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है? मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी आंसर ऑप्शन ए है बजाज, बजाज ऑटो। भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1,00,000 करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेडोंका, इनका नाम है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेडोंका इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि इससे पहले 66वें ग्रैंड मास्टर थे जी आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पर बनाया गया है? भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया गया है केरल में। केरल सरकार ने कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने की पूरी तरह तैयार है। पार्क जेंडर इक्विलिटी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के अवसर पर इसको शुरू हो जाएगा, जिसका उद्घाटन 11 से 13 फरवरी के बीच में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद में पहले 5G नेटवर्क की घोषणा की है? उस कंपनी का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एयरटेल सेलुलर कंपनी के द्वारा हाल ही में हैदराबाद में 5G नेटवर्क सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की आंसर ऑप्शन बी, भारत में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था?
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के? आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसे IFFI कहते हैं, 51वें संस्करण का आयोजन गोवा के पणजी में श्यामा प्रसाद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। इस बार कंट्री ऑफ फोकस के रूप में बांग्लादेश को चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है इनटू द डार्कनेस मूवी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है क्यू चुआन ली, उनका नाम है, द साइलेंट फॉरेस्ट फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोफिया स्टेफिएच को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दिया गया है चेन नियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किसे पद्म विभूषण 2020 मिला है? पद्म विभूषण 2020, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, यानी कि सिंजो आबे जापान, एसपी बाल सुब्रमण्यम कर्नाटक, और नरेंद्र सिंह कपनी जो कि मरणोपरांत अमेरिका के, उनको पद्म विभूषण दिया गया है। यहाँ पर पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं पद्म विभूषण की, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत मिला है? पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत, आंसर से ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, तरुण गोगोई असम, रामविलास पासवान बिहार, और केशुभाई पटेल गुजरात, तीनों को ही मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड 2020 दिया गया है। इसको आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? खेल के क्षेत्र में, आंसर इसका भी ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, जिसमें पी अनिता तमिलनाडु, माउमा दास पश्चिम बंगाल, और अंशु जमसेनपा जो कि अरुणाचल प्रदेश की हैं, तीनों को ही खेल के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट को। इस वर्ष कुल मिलाकर 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2020 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर शुरू हुआ है? तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। शिल्प मेला का उद्घाटन वर्चुअली किया गया था। तोसाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों में से एक है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।